तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमजे स्टार एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी जेई एग्जाम के फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। तो फ्रेंड्स, बिगर टाइम गवाए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज की शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट में फ्रेंड्स पहला प्रश्न पूछा गया कि आईपीएल 2019 किसने जीता। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आईपीएल 2019 है वो जीता मुंबई ने, और जो रनर अप्स रहा वो रहा चेन्नई। दूसरा प्रश्न था फ्रेंड्स, भारत का क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन जो है फ्रेंड्स साउथ सेंट्रल रेलवे है। सीएम ऑफ कर्नाटक पूछ लिया गया फ्रेंड्स, सीएम ऑफ कर्नाटक है कुमार स्वामी, और यहाँ के फ्रेंड्स गवर्नर पूछ लिया जाए तो वज्जुभाई वाला है, ये आपको याद रखना है। 2018 का फ्रेंड्स एशियन गेम, जैसा कि मैंने आपको वीडियो बना के दिया था उसमें से पूछा गया एशियन गेम, तो एशियन गेम जो है फ्रेंड्स इंडोनेशिया में हुआ था, और जो पैरा एशियन गेम है वो भी इंडोनेशिया में ही हुआ था। लोकसभा की सीट के बारे में पूछा गया फ्रेंड्स, तो लोकसभा की जो सीट है 545 है, अगर टोटल सीट पूछा जाए तो आपको लिखना है 552। और फ्रेंड्स, आपको पूछा जाता है कि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मूवी में सोनिया गांधी का रोल किसने किया। तो फ्रेंड्स, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में सोनिया गांधी का जो रोल है फ्रेंड्स सुजैन करके कोई है, उन्होंने किया है। आईसीसी के चेयरमैन के बारे में पूछा गया, तो आईसीसी का चेयरमैन जो है फ्रेंड्स शशांक मनोहर जी है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपसे पूछ लिया गया कि डेविस कप के बारे में एक प्रश्न आया, तो अगर डेविस कप का विनर पूछा जाए आपको तो क्रोएशिया होगा, आई थिंक क्रोएशिया ने डेविस कप जीता था। चलते फ्रेंड्स अगले और प्रश्नों की तरफ। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, पूछा था सीईओ ऑफ आईसीआईसी बैंक। तो फ्रेंड्स, आईसीआईसी बैंक के सीईओ है अभी संदीप बख्शी जी है सीईओ, और लेटिट्यूड पूछ लिया था फ्रेंड्स, इक्वेटर यानी विषुववृत्त का जो लेटिट्यूड है वो 0 डिग्री होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पृथ्वी अर्थ है, और अर्थ में जो ये है ये इक्वेटर है 0 डिग्री पर, और इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड, और एल्टीट्यूड जो है फ्रेंड्स ये आड़ी लाइन को एल्टीट्यूड कहते हैं, और इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड। तो आपका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स 0 डिग्री। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में फ्रेंड्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ से एक प्रश्न आया था। तो फ्रेंड्स, अगर प्रश्न होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का कौन सा स्टेट प्रथम है, तो आपको आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर होगा। और इंडिया का जो रैंक था फ्रेंड्स 2019 में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में था वो 77 था, और 2018 में फ्रेंड्स भारत का रैंक था 100 नंबर। पंजाब की लोकसभा सीट के बारे में एक प्रश्न आया था फ्रेंड्स, और यहाँ पे एक स्वीडन की कैपिटल के बारे में एक प्रश्न आया था, तो स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम था। और फ्रेंड्स, एक प्रश्न था भारत एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है, तो किम्बुल नामजो नेशनल पार्क जो है फ्रेंड्स भारत का वो एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। इसके अलावा फ्रेंड्स AICT के चेयरमैन के बारे में एक प्रश्न आया, तो उनका राइट आंसर होगा अनिल सहस्त्रबुद्धे राइट आंसर होगा। और इसके अलावा फ्रेंड्स कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया का पूछा गया है, तो कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया है कैनबेरा, और यहाँ की करेंसी है डॉलर। और आपको अगले सीट में कदाच पीएम के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो आपको स्कॉट मॉरिसन याद रखना है। बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो फ्रेंड्स बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने करी, तो फ्रेंड्स मुस्लिम लीग की जो स्थापना है मोहम्मद अली और आगा खान के ने मिलकर करी। करेंसी ऑफ नेपाल के बारे में पूछा गया, तो फ्रेंड्स करेंसी ऑफ नेपाल है रुपया। यहाँ की प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, और पीएम के बारे में अगर पूछा जाए तो खड़ग प्रसाद ओली आपको याद रखना है। फूल पत्ती त्यौहार फ्रेंड्स अगर पूछा जाए तो आपको नेपाली आंसर लिखना है। नॉर्वे की कैपिटल पूछा गया, तो फ्रेंड्स नॉर्वे की जो कैपिटल है वो ओस्लो, यहाँ की करेंसी है क्रोन, और यहाँ के प्रेसिडेंट है, यहाँ के पीएम जो है एन्ना सोलबर्न से है, आपको ये भी याद रखना है। और 2023 के वर्ल्ड कप के बारे में पूछा गया, तो फ्रेंड्स 2023 का जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया में होगा, 2019 का इंग्लैंड और वेल्स में हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आरआरबी जेई की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। तो हम सेकेंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट का भी ऐसे ही एनालिसिस लेकर जाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।